वीर मराठों की कहानियां तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन आज हम जिस घटना की चर्चा करेंगे वो घटना अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वही घटना है जिससे मुगलों को आभास हो गया कि अब हम ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकेंगे। यह घटना इतिहास में उन चंद घटनाओं में से एक है जो अपने आप में ही किसी शासनकाल को खत्म होने की संदेश देती है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से समझते हैं। साहू के राज्य रोहण के समय महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति अत्यंत गंभीर थी। मराठा प्रशासन अस्त व्यस्त हो चुका था। चूंकि साहू मुगल शिविर में बड़े हुए थे, अतः वह आराम पसंद और विलासी व्यक्ति थे। उनके लिए महाराष्ट्र की अव्यवस्था को व्यवस्थित करना संभव नहीं था, अतः उन्होंने 16 नवंबर 1713 को बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई की सत्ता को समाप्त किया तथा विरोधी मराठा सरदारों की शक्ति का दमन कर उन पर साहू के प्रभुत्व की पुनः स्थापना की। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने साहू की इच्छाओं को पूरा किया तथा मराठा राज्य के लिए उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं के कारण साहू के शासनकाल में पेशवाओं का उत्कृष्ट हुआ। इसी समय के आसपास दिल्ली में सैयद भाइयों के सहयोग से फरुख सैयद मुगल तख्त पर आसीन हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी सैयद भाइयों से अनबन हो गई और दोनों पक्ष एक दूसरे को समाप्त करने पर उतारू हो गए। फरुख सैयद को समाप्त करने के लिए सैयद भाइयों ने मराठों से सहायता मांगी। फलस्वरूप 1719 में उन्होंने मराठों से एक संधि की जिसमें साहू को दक्षिण के 6 सूबों के चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार देने तथा साहू के परिवार को मुगलों की कैद से मुक्त करने का वचन दिया। तत्पश्चात बालाजी विश्वनाथ अपनी मराठा सेना को लेकर सैयद भाइयों की सहायता के लिए दिल्ली गए, जहां फरुख सैयद को गद्दी से उतारकर उसे मार डाला गया और रफी उद्दरजात को मुगल बादशाह बनाया गया। नए सम्राट ने 1719 की संधि को स्वीकार करते हुए संधि के अनुरूप शाही फरमान जारी किए। मराठों की यह दिल्ली यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि मराठों को अब यकीन होने लगा कि मुगलों का पतन अब नजदीक है। अतः दिल्ली से स्वदेश लौटने के बाद बालाजी विश्वनाथ ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति के प्रसार की योजना बनाई, किंतु यह योजना पूर्ण करने से पूर्व ही 1720 में उनकी मृत्यु हो गई। उधर मुगल शासक बहुत ही विलासी और आलसी हो चुके थे, जो मुगलों के इतिहास को दीमक की तरह भीतर ही भीतर खोखला कर रहे थे। तो दोस्तों, इस घटना और मुगलों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।